हे गाइस, हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल स्टे ब्यूटीफुल विद मी। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। तो जैसे कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो हम करने वाले हैं, यहाँ पर बायोटिक का एक सनस्क्रीन है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, और ये जो वीडियो है वो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया था, इसका रिव्यू मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो में जितनी भी बातें इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। सो ये जो एक्सपीरियंस है वो वेरी कर सकता है, आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पूरी डिटेल इस वीडियो प्रोडक्ट के बारे में आपको पता लग पाएगा। और ये जो रिव्यू है वो ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है मेरी तरफ से। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है, तो जल्दी से जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं और कर लेते हैं इस प्रोडक्ट का रिव्यू। तो ये है बायोटिक का बायो सैंडलवुड 50+ SPF UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप्स, वेरी वाटर रेजिस्टेंट। तो सबसे पहले कन्फ्यूजन जो आता है ना वो ये आता है कि ये एज ए सनस्क्रीन काम करता है या फिर फेस लोशन की तरह काम करता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, तो उनका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। मैंने जो फील किया इस प्रोडक्ट के बारे में वो मैं आज इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूँ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक आपको पूरा देख। सेकंड जो बात है कि ऑयली, एक्ने प्रोन और कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसके लिए उनको क्या करना होगा जिससे इस प्रोडक्ट को वो यूज़ कर सकें, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छे से, शांति से, आराम से पूरा देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेजिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्ट आपको सूट कर जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करेगा तो पैकेजिंग और अंदर का प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की पैकेजिंग में ये आता है। ये इस तरीके के बॉक्स में आता है और इसके ऊपर सारे इंग्रेडिएंट वगैरह लिखे हुए रहते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स हैं, और इस तरीके की हार्ड बोतल के अंदर आता है ये। और इसका जो, वैसे तो इसकी जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी है, आप ट्रैवल में भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं इसको। एक छोटा सा इसके अंदर एक होल है, यहाँ पर इस तरीके से निकलेगा, आप इसको थोड़ा सा प्रेस कीजिए, यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है वो निकल जाएगा। तो पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है इसकी। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट्स इसके अंदर हैं। तो बॉक्स के ऊपर सारे मेंशन हैं, वो मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगी। तो ये है बायोटिक का बायो सैंडलवुड 50 SPF UVA UVB सनस्क्रीन अल्ट्रा सूदिंग फेस लोशन फॉर ऑल स्किन टाइप, वेरी वाटर रेजिस्टेंट। जैसे इसमें है वाइट सैंडलवुड ऑयल, विंटर चेरी रूट, नाग केसर फ्लावर बर्ड, अंकुरित गेहूँ, मधु, लोधरा बर्क, अर्जुन बर्क, बीज वैक्स, सनफ्लावर ऑयल, प्योरीफाइड वाटर, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं। और जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 120 ml है, और प्राइस जो है 350 है, जो कि आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी। जो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप अगर देखेंगे तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाएगा। इसके साथ ही सैंडलवुड जो होता है वो हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जो कि सैंडलवुड के बारे में यहाँ पर मेंशन है कि सैंडलवुड कम्स फ्रॉम द सैंडल ट्री, नेटिव टू इंडिया एंड यूज थ्रू आउट द एजेस फॉर इट्स पैम्परिंग एंड प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज़। दिस न्यूट्रिएंट रिच लोशन इज ब्लेंडेड विद प्योर सैंडलवुड, सैफरन, वीट जम, हनी एंड बर्क ऑफ द अर्जुन ट्री टू कीप स्किन सॉफ्ट, फेयर, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट स्किन विद ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 UVA UVB सनस्क्रीन, वेरी वाटर रेजिस्टेंट, रिटेन SPF आफ्टर 80 मिनट्स इन द वाटर। अगर आप पानी में रहते हैं तो 80 मिनट्स बाद में इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये जो बॉटल है वो कितनी है। ये 120 ml की बॉटल है और इसका जो प्राइस है वो है 350 rupees का, जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो मुझे ये कम में मिली थी, मैंने डिस्काउंट में इसे लिया था और ऑनलाइन परचेज़ किया था। अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ईजिली आपको ये प्रोडक्ट जो है वहाँ से मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं इसकी क्वांटिटी की। तो 120 ml अगर आपको 350 में भी अगर आपको मिलता है, वैसे 350 का नहीं है, आपको कम प्राइस पे ही मिलेगा, ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इसके ऊपर, तो ये कम में मिलेगा आपको। तो क्योंकि क्या होता है, सनस्क्रीन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम आती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम आती है, बहुत ज़्यादा प्राइसी होते हैं वो। तो उसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो काफ़ी सही है। दूसरी बात कर लेते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की। जो शेल्फ़ लाइफ जो है वो 3 ईयर्स तक की है, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट जो दे रखी है उसके अलावा आप 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी फ्रेगरेंस की। तो इसकी फ्रेगरेंस जो है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब माइल्ड है, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। मुझे कुछ कुछ ऐसी लगती है जैसे सैंडलवुड और कुछ लॉन्ग वाला जो होता है ना, उसको मिक्स करके जो बनाई जाती है ना, उस तरीके की इसकी खुशबू है। तो खुशबू तो बहुत अच्छी है, तो फ्रेगरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईजिली जिन लोगों को फ्रेगरेंस ज़्यादा तेज जो पसंद नहीं आती है ना, वो लोग भी इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और कई सनस्क्रीन जो होते हैं वो उस तरीके के होते हैं जैसे कुछ अपन ने मेडिसिन लगा ली हो, उस तरीके की भी बिल्कुल सहन नहीं होती है, टॉलरेट नहीं होती है ना, तो वैसा इसके साथ में कुछ भी नहीं है। तो इसको लगाने के बाद में आपको अच्छा ही फील होने वाला है, फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं है, मतलब पसीना आने पे या आप पानी आपके चेहरे पे लग जाता है तो उस कंडीशन में सनस्क्रीन जो होते हैं वो निकल जाते हैं, धुल जाते हैं, तो ये काम करता है कि नहीं करता है। तो जैसे आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो आप इस सनस्क्रीन को अगर यूज़ करते हैं तो ये 80 मिनट्स बाद में आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, एकदम से अब आपके चेहरे पे पानी लगेगा या पसीने आएंगे आपको तो ये जल्दी से निकलने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आपने स्विमिंग वगैरह की है तो उसके 80 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये रीअप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं स्किन टाइप के लिए। तो इसमें लिखा है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर इसी तरीके की मेंशन रहता है कि ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल हैं। लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी स्किन इसके लिए सूटेबल है या नहीं है, ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरी जो स्किन है वो है ऑयली, एक्ने प्रोन प्लस सेंसिटिव स्किन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्किन होती है कि कहीं भी कुछ भी लगाने पर फटाफट से रिएक्ट करती है मेरी स्किन। तो अगर ये ड्राई स्किन और जो नॉर्मल स्किन वाले हैं वो इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन और सेंसिटिव स्किन के लिए। तो सेंसिटिव स्किन को अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बात करते हैं ऑयली कॉम्बिनेशन और एक्ने प्रोन स्किन के लिए। तो देखिए, जब मेरी ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन है, साथ में सेंसिटिव भी है, तो जब मैंने इसको प्रोडक्ट को यूज़ किया था तो मुझे ये थोड़ा सा ऑयली और स्टिकी भी लगा था। लेकिन उसका भी एक इलाज है, इसका भी एक हैक है, जो कि आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बात रही अब एक्ने प्रोन स्किन की, तो मुझे भी कोई भी प्रोडक्ट जो मैं लगाती हूँ तो फटाफट से अगर कोई रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट वो अच्छा लगता है तो एक बार में अच्छा लग जाता है, नहीं लगता तो फटाफट से मुझे एक्नेज वगैरह हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सो इसको लगाने के बाद में 1-2 ब्रेकआउट्स मुझे हुए थे इसको लगाने के बाद में, नेक्स्ट डे ही। अब वो किस और कारण से हुए थे या फिर इसकी वजह से हुए थे वो मुझे पता नहीं, लेकिन सिर्फ 1-2 ही ब्रेकआउट हुए थे। 2-3 दिन मैंने इसको यूज़ किया था, उसके बाद में कोई ब्रेकआउट मुझे नहीं हुआ था। तो स्टार्टिंग में आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है कि जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो वो थोड़े टाइम के लिए रिएक्ट करती है लेकिन बाद में वो प्रोडक्ट जो है वो उन्हें सूट करने लग जाता है, तो ऐसा आपके साथ में भी हो सकता है। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन और ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन है तो आप 1-2 दिन इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि 1-2 2-4 आपको एक्ने या ब्रेकआउट्स वगैरह हो रहे हैं तो नॉर्मल है, वो 2-3 दिन आप यूज़ करेंगे, उसके बाद में वो एक्ने अगर ज़्यादा बढ़ने लगें तो आप छोड़ दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्ने प्रोन स्किन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो आप एक बार भी चेक करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप जब अपने फेस पे इस तरीके की जो स्किन टाइप होती है ना वो यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा रिएक्ट करता है लेकिन उसके बाद में नॉर्मल होने लग जाता है। तो ये बात रही, लेकिन जब आपको स्टिकी फील होता है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि अगर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं ना,
तो उसके बाद में आप क्या कीजिए, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर इसको लगाने के बाद में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के बाद में, जब वो थोड़ा सा स्वेटी स्वेटी फील हो आपको, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर से उसको सेट कर लीजिए। उसके बाद में आपको स्वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं हुई थी, मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है फेस पे, तो सेट हो जाएगा ये और ऑयली और स्टिकी स्टिकी आपको नहीं लगेगा। तो ये तो हो गई आपको ट्रिक कि आप ऑयली और जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं या एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये फेस लोशन है या सनस्क्रीन की तरह काम करता भी है या नहीं करता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप कोई सनस्क्रीन परचेज करते हैं तो 50 प्लस का तो होना ही चाहिए, साथ में उसमें PA प्लस 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 होना चाहिए अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो। 50 प्लस SPF UVA UVB के साथ में ही PA प्लस 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 भी होना चाहिए, वो सनस्क्रीन जो है वो आपकी स्किन के लिए बेस्ट रहता है अगर आपका सन एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आप घर में हैं तो इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मुझे इतना नहीं लगता कि ये इतना आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर पाएगा सनरेज से, क्योंकि इसके अंदर PA प्लस 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 नहीं है। ये मेरा मानना है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, अदरवाइज़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इसके टेक्सचर की और कलर की। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये निकल जाएगा। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं ना, वो इतनी ही क्वांटिटी लें, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा स्टिकी स्टिकी फील होगा, तो आप इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है ना, इतनी ही क्वांटिटी लीजिएगा, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा बाकी जो सनस्क्रीन होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट कास्ट छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं थिक वो होते हैं, थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं, ये थिक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, फटाफट से ये आपके एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लेंड भी हो जाएगा इस तरीके से, और वाइट कास्ट भी ये नहीं छोड़ने वाला है, ईजिली ब्लेंड हो जाएगा। तो इसकी जो क्वान्टिटी है वो बहुत ज़्यादा कम लगने वाली है, और देख सकते हैं आप किस तरीके से इतनी जल्दी ब्लेंड हो गया ये, तो इसलिए क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम लेनी है आपको, जितनी मैंने बताई उतनी ही लेनी है। बहुत ज़्यादा चलने वाला है आपका ये प्रोडक्ट, क्योंकि 120 ml का है ये बॉटल, और प्राइस भी आपको बताई दी मैंने 350 की है, लेकिन डिस्काउंट में आपको और भी कम में पड़ जाएगी। इसका जो कलर है ना वो है पीचिश कलर का है, ये लाइट पिंक कह लीजिए या फिर पीच कलर कह लीजिए, लाइट पिंक भी नहीं एक्चुअली, पीच कलर है इसका, तो कलर से एक्चुअली ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेन बात जो है इसकी कंसिस्टेंसी की है, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा आपकी स्किन पे। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जैसे मैंने आपको प्राइस बता दिया, क्वांटिटी बता दी, इसकी फ्रेग्रेंस बता दी, टेक्सचर बता दिया, कलर बता दिया, हाँ आप स्किन टाइप, कौन सी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी बता दिया है आपको, एज ए सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं ये भी बता दिया मैंने आपको। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। सो ओवरऑल मेरे लिए प्रोडक्ट जो है वो ओके है, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में रहती हूँ, तो मेरे लिए तो डेली जब सनस्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके का सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज और हर चीज़ में ये मुझे ठीक लगा, मुझे सूट भी कर गया है ये, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। लिंक जो है इस प्रोडक्ट का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, शेयर करना भी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक तो करना ही करना है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।